कुछ दिन पहले अखबारों में खबर आई थी कि कई महीने से हम बार बार चुनाव आयोग को चर्चा करने के लिए इंडिया गठबंधन के लोग समय मांग रहे हैं, मगर अब चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया लिखित रूप से। समय देने के बजाय चुनाव आयोग ने उनको, इंडिया गठबंधन के लोगों को समय देने के बजाय रिप्लाई दे दिया, और रिप्लाई में उन्होंने कहा कि हमारा ईवीएम मशीन पर 100% विश्वास है और इसलिए उनको समय देने से इनकार कर दिया। ये कितने हैरान करने वाली बात है। चुनाव आयोग का यह व्यवहार कि केवल ईवीएम मशीन पर चुनाव आयोग का ही भरोसा होना चाहिए, बाकी जनता का भरोसा हो या नहीं हो, मैं ऐसा मानता हूं जनता का भरोसा होना सर्वोपरि है। जनता का भरोसा होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जनता के मन में किसी भी प्रकार की आशंका है तो बियॉन्ड डाउट चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को जो अथॉरिटी दी गई है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए अथॉरिटी दी गई है, एरोगेंसी करने के लिए, जबरदस्ती थोपने के लिए और मनमानी करने के लिए चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं दिए गए हैं। ये अधिकार जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है चुनाव आयोग को दिए गए, ये चुनाव आयोग किसी सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाली संस्था नहीं है। चुनाव आयोग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए उसको अधिकार दिए गए हैं, एक ऑटोनॉमस स्वायत्त संस्था है। और चुनाव आयोग को यह ध्यान रखना चाहिए कि जनता का विश्वास ही महत्वपूर्ण है। अगर जनता का विश्वास नहीं है तो उस ईवीएम मशीन का क्या करें? क्यों जबरदस्ती कर रहा है चुनाव आयोग? क्यों जबरदस्ती से ईवीएम मशीन थोपने का काम कर रहा है? चुनाव आयोग के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस वाई कुरेची, उन्होंने कहा, एस वाई कुरेशी ने कहा, ये एस वाई कुरेशी ने जो कहा 8 जनवरी 2024 के हिंदुस्तान अखबार में उनका छपा हुआ है, उन्होंने लिखा, मैंने 100% वीवीपैट की गिनती का सुझाव दिया है, इस काम में एक दिन से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा, लेकिन यह काम लोगों का विश्वास बहाल करेगा। विश्वसनीय चुनावों के लिए यह आवश्यक है। इसका मतलब है एस वाई कुरेशी ये कह रहे हैं जनता का विश्वास सर्वोपरि है, जनता का विश्वास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, केवल अकेले चुनाव आयोग का ईवीएम पर विश्वास होना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता का विश्वास। मगर जनता के विश्वास को
चुनाव आयोग महत्व नहीं दे रहा है। क्यों चुनाव आयोग जबरदस्ती करना चाहता है ईवीएम से ही चुनाव हो? क्यों आगे क्यों? अमेरिका में, यूरोप में सबसे विकसित देश है अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में, जापान में बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। इसका कोई जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। इसलिए पहले हम कहते थे कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, ईवीएम मशीन में धोखा हो रहा है, मगर ईवीएम मशीन को जिंदा व्यक्ति थोड़ी है कि वो खुद अपना फैसला कर ले। ईवीएम मशीन का फैसला चुनाव आयोग कर रहा है। इसलिए अब हमारा विश्वास चुनाव आयोग पर नहीं है, चुनाव आयोग का विश्वास ईवीएम मशीन पर 100% है और हमारा अविश्वास 200% चुनाव आयोग पर नहीं है। सारे देश भर में इसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ईवीएम मशीन के विरोध में अभी 5 तारीख को सारे देश भर में हम लोगों ने विरोध किया और 4 चरणों में यह कार्यक्रम हमारा चल रहा है। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये कार्यक्रम 4 चरणों में चल रहा है। तो इस तरह से ईवीएम मशीन के विरोध में हम लोग जो अभियान चला रहे हैं, अब उसमें वास्तव में हम लोग एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। वो बड़ा बदलाव यह है कि पहले हमारा ईवीएम मशीन पर अविश्वास था, अभी हमारा अविश्वास चुनाव आयोग के ऊपर है। ये चुनाव आयोग जबरदस्ती कर रहा है। अगर चुनाव आयोग ने जनता की आवाज को सुनने का काम नहीं किया, अगर चुनाव आयोग ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव की जनता की मांग को अनसुना कर दिया, तो चुनाव आयोग के विरोध में हम लोग राष्ट्रव्यापी बड़ा उग्र आंदोलन चलाएंगे। और ये उग्र आंदोलन संविधान की रक्षा करने के लिए और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात इससे संबंधित जानना बहुत जरूरी है, कहीं जो चुनाव आयोग के द्वारा धांधली की जा रही है उस पर लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए तो अयोध्या का मामला नहीं उछाला जा रहा, ताकि लोगों का ध्यान अयोध्या की तरफ जाए और उसी दौरान चुनाव आयोग धांधली करने के काम में लगा रहे और लोग इसके विरोध वाले आंदोलन में सहभागी ना हो। इसलिए शायद ऐसा किया जा रहा है, ऐसा कहने का बहुत बड़ा कारण है कि इसी के मौके पर यह अयोध्या का मंदिर बनाने का मुद्दा उपस्थित करने का क्या कारण है। निश्चित रूप से इसका संबंध चुनाव के साथ है। अगर यह चुनाव के साथ है तो निश्चित रूप से ईवीएम के धांधली के साथ भी है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत इसके साथ जुड़ी हुई है। इस बात को भी हम लोगों को जानना और समझना जरूरी है। इसलिए यह बात खास तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के द्वारा
जागरण पेपर जो है दिल्ली एडिशन का, ये दिल्ली एडिशन के जागरण में यह खबर छपी है इस टाइटल की कि ईवीएम के दुष्प्रचार पर सख्ती से निपटा जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा, ऐसे टाइटल वाली खबर जागरण पेपर दिल्ली एडिशन में छपी हुई है। ये खबर और इस टाइटल को यह प्रमाणित करता है, ये सिद्ध करता है कि चुनाव आयोग को जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। और अगर चुनाव आयोग के पास सवाल का जवाब होता तो चुनाव आयोग शिकायत करने वाले लोगों को धमकी देने का काम नहीं करता, चुनाव आयोग धमकी देने में उतार हो गया है चुप कराने के लिए कि उनके ऊपर केस किया जाएगा। और ऐसा डर दिखाकर, केस करने का डर दिखाकर लोगों को और सवाल पूछने वाले लोगों को चुप कराने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग इस बात से भी डरा हुआ है कि ईवीएम के धांधली के विरोध में चुनाव आयोग के पास लगभग 15,000 से लेकर 20,000 कंप्लेन गई है। 15,000 20,000 कंप्लेन का मतलब होता है बहुत भयंकर किस्म का अविश्वास, जनता का बहुत भयंकर किस्म का अविश्वास। अगर यह अविश्वास है, इतने बड़े पैमाने पर अविश्वास है, इसी वजह से चुनाव आयोग कंप्लेन करने वाले लोगों की मुंह बंद करने के लिए, कंप्लेन करने वाले लोगों को चुप कराने के लिए धमकी देने पर उतारू हो गया है। धमकी देने पर चुनाव आयोग उतारू हो गया है और चुप कराने के लिए चुनाव आयोग जो है केस करने की धमकी दे रहा है, डराने का धमकी दे रहा है। इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग के पास जनता के द्वारा पूछे गए सवालों के कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए पुलिस का सहारा नहीं ले सकती। चुनाव आयोग जवाबदेह होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। चुनाव आयोग अकाउंटेबल होने के बजाय, जवाबदेह होने के बजाय, जवाबदेह का मतलब है अगर सवाल पूछे जाए तो उसका जवाब देना चाहिए, जवाब देने के बजाय धमकी देने का काम कर रहा है, निपटने की धमकी दे रहा है, केस करने की धमकी दे रहा है। यह सिद्ध करता है कि चुनाव आयोग ही चुनाव में धांधली करने के काम में लगा हुआ है। हम समझते थे कि ईवीएम की वजह से गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम की वजह से गड़बड़ी नहीं हो रही है, चुनाव आयोग की वजह से गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है, इसके लिए सोल रूप से, मुख्य रूप से चुनाव आयोग जिम्मेदार है। और इस तरह से चुनाव आयोग जो है देशद्रोह के काम में लगा हुआ है, सारे देश के लोगों को इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, सारे देशभर में करना चाहिए। और चुनाव आयोग को हमारे संवैधानिक अधिकार, वोट के अधिकार, सरकार बनाने और सरकार बदलने का जो मौलिक अधिकार है उसके विरोध में षड्यंत्र करने के अधिकार से चुनाव आयोग को अलग रखने के लिए जागरूक रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है और पूर्णता से आवश्यकता के अनुसार विरोध करने की जरूरत है। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।